नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं और कितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इसके बारे में बेसिक ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ जा सकता है या बेसिक नॉलेज दृष्टि से भी है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। एक्चुअली मेरा मकसद है कि सभी टॉपिक्स को कवर करना, छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी टॉपिक के ऊपर हम दो तीन दिन में डेली डिस्कशन कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेसिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का नॉलेज कलेक्शन आपके पास हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो उसी प्रयास के चलते मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए हमारे घरों में सब जगह इलेक्ट्रिक सर्किट तो रहते ही हैं, बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के तो हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाते। हम घरों में हमारे जो पावर ऑन है या आपका जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं इलेक्ट्रिक में, सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से चले हुए, लेकिन वो किस टाइप के सर्किट से कनेक्टेड है वो हमको पता होना चाहिए। तो उसी चलते मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, टाइप भी लिखे हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ और लाइंस फॉर द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, कनेक्टिंग वायर्स, स्विचेस एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में कि एक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ और लाइंस, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट पाथ है, कंप्लीट मतलब पाथ है लाइंस का या हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, इक्विपमेंट्स का, फॉर द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट विच कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई का रहेगा, जहाँ सप्लाई रहेगा वह सोर्स रहेगा, कनेक्टिंग वायर्स रहेंगे, स्विचेस रहेंगे, लोड रेजिस्टेंस रहेंगे और अन्य हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। समझ में आ गई आपको? और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें क्या होता है कि वायर का कॉम्बिनेशन रहेगा, मेन पावर सोर्स रहेगा जहाँ से हमको गर्म पावर से आएगी, प्लस लैंप्स रहेंगे, एलईडी रहेगी, सीएफएल रहेगी, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहेंगे, टीवी यूनिट रहेगी, जो भी घरों में चल रहा है वो सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे और लास्ट में इनमें एक लास्ट में एक न्यूट्रल वायर जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो फेस वायर से सप्लाई आएगी और ग्रुप सीरीज में उत्पन्नती हुए न्यूट्रल पर पहुँच जाएगी, सारा लोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो वह आपका एक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट सर्किट रहता है। ठीक है जी, समझ में आ गए। अब यहाँ पे इसके आते हैं तीन प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, तीन टाइप्स, वो कैसे होते हैं वो समझेंगे। तीन टाइप्स मैंने लिखा है, फर्स्ट वन इज क्लोज सर्किट, क्लोज मतलब कि बंद परिपथ हिंदी में बोला जाता है, जो कि हमारे सभी घरों में यूज किया जाता है, होता है, बिना क्लोज सर्किट के घरों में पावर का ऑन नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज ही नहीं कर सकते कहीं भी, तो इम्पॉर्टेंट है क्लोज सर्किट। दूसरा है ओपन सर्किट, तीसरा है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट तो ये यूज नहीं होता बट ओपन हो जाता है, कभी भी आपने देखा होगा आपका लैंप लगा हुआ है कहीं भी और आपने कंप्लीट लाइट जली, लैंप को फोड़ दिया हमने पत्थर मार के, तो वहां से क्या कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो, मतलब है ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, या आपका कोई आपका क्लोज लूप में कोई आपके पैरामीटर से इक्विपमेंट चल रहा है उसको निकाल दिया वहां से, ये स्विच को ऑन की जगह पर ऑफ कर दिया, तो भाई ओपन सर्किट कहलाता है, मतलब ओपन हो गया मतलब कि सप्लाई आपकी बंद हो जाती है, मतलब कि सारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो उसको ओपन सर्किट बोलेंगे। और एक होता है शॉर्ट सर्किट, घरों में कोई शॉर्ट हो जाता है तो आपका फॉल्ट होता है कहीं कहीं, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। लेकिन ये तीनों कैसे होते हैं, किस तरीके से काम होता है इनके अंदर, वो भी हम अलग अलग टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल इसमें समझ रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक बनाने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक मैंने बैटरी ले ली डीसी, ये बैटरी का प्लस एंड माइनस लगा दिया, यहां से हम क्या करें एक वायर ले लें क्योंकि वायर की जरूरत पड़ेगी, वायर लिया और वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा वो हमने शो कर दिया, फिर एक हम स्विच लगा दें इलेक्ट्रिकल स्विच, स्विच लगा दिया, फिर हम चले यहां से हम क्या करें एक लैंप लगा दें, तो ये हमने लैंप लगा दिया। लैंप लगाने के बाद हम क्या करें आगे चले, इसमें आप चाहो तो कुछ और लगा दो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी टीवी यूनिट लगा दो, चलो ठीक है यहाँ टीवी यूनिट लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ से एक आप सॉकेट बोर्ड लगा दिया आपने, यहाँ पे हमने लोड दे दिया एल, इसके बाद हम वापस चले और ये नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, इसको मैं पूरा देखूँ, ये हमारी बैटरी हो गई, इसको हम वी से डिलोज नोट कर दें, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये स्विच हो गया, ये लैंप हो गया और ये हमारा हो गया लोड। ठीक है, इसको हम लोड सर्किट लोड हो गया जी। ठीक है, तो कहने का मतलब हम समझना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझ चाह रहे हैं ये क्या है, क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है, कैसे है वो हम समझते हैं। यहाँ पे आपने डीसी सप्लाई यूज की है, डीसी जगह पे आप एसी भी यूज कर सकते हैं, एसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इस टाइप से एक सिंबल डिनोट करना पड़ेगा, ये आपका एसी का सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का।
क्लियर। तो ये क्लोज लूप सर्किट है, हमारे घरों में आती है 220 से लेकर 240 वोल्टेज एसी, ठीक है। एसी सप्लाई आई, यहाँ से इसमें करंट फ्लो हुई, ठीक है। रेजिस्टेंस कनेक्ट हो चुका, अब स्विच ओपन है यहाँ पे। जैसे स्विच को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे, मतलब ये रास्ता हम क्लियर करेंगे, ये लाइन कनेक्ट करेंगे, तो हमारा लैंप जो है वो जल जाएगा। जल जाएगा मतलब ऐसा नहीं कि फायर हो जाएगा, लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा, मतलब कि हमको लाइटिंग देना प्रारंभ कर देगा। क्यों देना पड़ेगा, चूंकि इधर से पॉजिटिव एंड इधर से नेगेटिव, हमारे दोनों सप्लाई का एक कनेक्शन बन गया, यानी क्लोज लूप बन गया है। इस कारण से इसको बोलते हैं हम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, जिसमें वायर है, रेजिस्टेंस है, स्विच है, लैंप है, हमारे लोड अदर है, एक्सटेंशन बोर्ड है और आपका पावर सोर्स है। इन सभी के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। इसके बाद यदि क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज हो गया, ओपन मींस इसको ओपन कर दें, इस लोड को कहीं से ओपन कर दें, ओपन सर्किट हो जाता है। शॉर्ट, कहीं से इसको शॉर्ट कर दें, तो ये हो जाता है। इनको हम डिफरेंट अलग अलग वीडियोस में सेपरेटली समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ में आया हुआ कि एक क्लोज या यूं कहें कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन से मिलकर इसको बनाया जाता है। क्लियर, सिंपल है और कोई इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, हो गया कनेक्टिंग वायर्स, स्विचेस, लैंप्स एंड लोड के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि कंप्लीट पाथ होता है फ्लो ऑफ करंट का। क्लियर, डाउट क्वारीज आपकी नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट क्वारीज है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और समझ में आया वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड साथ, ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे व्यूज आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी इस चैनल पर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने वाले को बेल आइकन नोटिफिकेशन देकर उसको ऑन कर दें, बेनिफिट आपको यही रहेगा, हम चैनल जब भी न्यू वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।